वेलकम टू मेडलैक्टो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैक्टीरियल स्पोर्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सिर्फ वो जेनरा को डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के जो कि मेडिकली इंपॉर्टेंट है। अब मेडिकली दो जेनरा इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया के, एक है बैसिलस और दूसरा है क्लॉस्ट्रिडियम। बैसिलस जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कॉज होती है एंथ्राक्स, और क्लॉस्ट्रिडियम से टैटनेस एंड बोट्यूलिज्म। ये वो जेनरा है जो के स्पोर्स बनाते हैं। ओके, अब स्पोर्स बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पोर्यूलेशन। अब स्पोर बैक्टीरिया जो है स्पोर बनाता क्यों है? सवाल ये पैदा होता है कि बैक्टीरिया ने क्यों स्पोर्स बनाने हैं? कोई रीजन होती है, हर काम के पीछे कोई रीजन होती है। इसी तरह बैक्टीरिया के स्पोर में कन्वर्ट होने की भी एक रीजन है। ये उस वक्त बनाते हैं जब न्यूट्रिएंट्स डिप्लीटेड हो, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, स्पेसिफिकली कार्बन और नाइट्रोजन। अब जब भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो बैक्टीरिया अपने आप को स्पोर्स में कन्वर्ट करेगा, यानी कि ये एक साइकिल चलता है। अगर आप देखें, जब भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो बैक्टीरिया खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगा? स्पोर में। और जब न्यूट्रिएंट्स की मिलेंगे उसको, दोबारा से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो स्पोर दोबारा से बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, जब न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो बैक्टीरिया खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगा? स्पोर में। और जब न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उसको तो स्पोर जो है वो वापस बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर एक बैक्टीरिया ने स्पोर बनाया है तो एक ही स्पोर से बैक्टीरिया बनेगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगी, यानी कि एक से दो कभी भी नहीं होंगे। एक बैक्टीरिया एक ही स्पोर बनाएगा और एक ही स्पोर से एक ही बैक्टीरिया बनेगा। ये वाली बात, अगर दो बैक्टीरिया है तो दो स्पोर बनेंगे और दो स्पोर से वापिस ही दो बैक्टीरिया बनेंगे। ये वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो स्पोर होता है ये डोरमेंट होता है, यानी कि इसके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही होती, यानी कि स्टैटिक हो जाता है, स्टिल हो जाता है। और ये ज्यादातर जो है स्पोर सॉइल में पाए जाते हैं। इसी वजह से जब भी चोट लगे और किसी मट्टी वाले सड़क पे या मट्टी वाले एरिया में लगे, तो इन बैक्टीरिया के स्पोर्स जो है वो बॉडी में जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर स्पोर्स जो होते हैं बैक्टीरिया के वो सॉइल में मौजूद होते हैं। और जब ये हमारी बॉडी में जाएंगे तो हमारी बॉडी में तो न्यूट्रिएंट्स वाफर मिकदार में है, तो ये हमारी बॉडी में जाकर जो स्पोर्स है वो खुद को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? बैक्टीरिया के अंदर, जब क्योंकि फेवरेबल कंडीशन मिल गई ना उनको, हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद फेवरेबल कंडीशन होगी, तो ये खुद को एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर लेंगे और एक डिजीज कॉज करेंगे। लाइक टेटनस का स्पोर अगर हमारी बॉडी में गया तो वो खुद को बैक्टीरिया में कन्वर्ट करेगा और टेटनस कॉज करेगा। ठीक हो गया। अब हम बात करें तो स्पोर्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर। एक्सो में स्पोर जो होते हैं वो बैक्टीरिया के बाहर बनते हैं, और जो कि एंडो, नाम से पता लग रहा है, एंडो इनसाइड, जो कि बैक्टीरिया के इनसाइड बनते हैं। अब ये जो मेडिकली दो इंपॉर्टेंट जेनर है ये एंडोस्पोर्स बनाते हैं। अब इसी वजह से हम इस एंडोस्पोर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, बैक्टीरिया का जो बैक्टीरियल डीएनए होता है वो डुप्लीकेट कर जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले डुप्लीकेट करेगा बैक्टीरियल डीएनए, उसके बाद एक साइड पर एक कॉपी एक साइड पर आ जाएगी, एक कॉपी दूसरी साइड पर चली जाएगी। एक कॉपी जो एक साइड पर आएगी, इसके बाद जो है एक सेप्टम बनना शुरू हो जाएगा, सेप्टम एक दीवार बनना शुरू हो जाएगी बीच में। ठीक है, ओके। इसके बाद ये कंप्लीटली जो है वो सेपरेट हो जाएगा और इसके ये डिफरेंट लेयर्स आ जाएंगी, कोट बन जाएगा एक। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल, इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा, इसमें राइबोसोम भी होंगे और डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे जो के एसेंशियल है। ओके, इसके बाद लास्ट में ये बैक्टीरिया रप्चर होगा और जो स्पोर जो है वो फ्री हो जाएगा। अब ये जो है स्पोर फ्री हो गया और ये जो बाकी कंपोनेंट होकर जाएगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस तरह जो है बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया अपने आप को स्पोर में कन्वर्ट करते। इसी तरह स्पोर को जब फेवरेबल कंडीशन मिलेंगे तो वो दोबारा बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको स्पोर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो सकते हैं? बैक्टीरियल डीएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइबोसोम्स होगा और डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म तो मौजूद होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसने वापस जर्मिनेट करना है, सेल मेम्ब्रेन होगी, पेप्टिडोग्लाइकेन, केराटिन कोट बनेगा, इसके आउटसाइड पर क्या होता है एक केराटिन कोट होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और इसी तरह जो है डिपिकोलिनिक एसिड, ये क्या है, हीट रेजिस्टेंस पैदा करता है, इससे क्या हो गया रेजिस्टेंस पैदा होती है डिफरेंट
हीट के अगेंस्ट या केमिकल्स के अगेंस्ट। तो इसी तरह ये डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि स्पोर्ट्स में मौजूद होते हैं। सिमिलरली जैसे एक बीज होता है, अगर हम एक बीज को एक साल तक भी रखें और बाद में एक साल के बाद जमीन में दबाएं तो उससे दोबारा पौधा उग जाता है, इसी तरह ये स्पोर भी जो है ये सीड्स की तरह होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन मिलेंगे तो ये अपने आपको बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर लेंगे, जस्ट लाइक दी सीड्स कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू द प्लांट। ओके, अच्छा अगर हम मेम्ब्रेन की जनरल बात करें तो जो सेंटर में होता है वो होता है कोर, जिसमें जेनेटिक मटीरियल होता है। उसके बाहर इनर मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर सेल वॉल, कॉर्टेक्स, आउटर मेम्ब्रेन, कोट एंड एक्सोस्पोरियम। अच्छा ये डिफरेंट लेयर्स होती हैं स्पोर्स के बाहर, यानी कि इस तरह ये एग्जिस्ट कर रही होती है बाहर स्पोर्स के। अब आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लेयर्स होती हैं स्पोर्स के अंदर और इसको डिस्ट्रॉय करना कितना मुश्किल होगा। इसी वजह से, इन सब चीजों की वजह से, डिफरेंट लेयर्स की वजह से स्पोर्ट जो है वो हीट के रेजिस्टेंस होती है, हीट इस पर असर नहीं करती, एक हद तक असर नहीं करेगी। रेडिएशन भी इस पर असर नहीं करती स्पोर्ट्स पे। डिहाइड्रेशन, अब आसानी से पानी जो है स्पोर्ट से बाहर नहीं आ सकता, डिफरेंट लेयर्स को क्रॉस करना पड़ेगा, तो इसी वजह से ये रेजिस्टेंस हो गया। इसी तरह डिफरेंट केमिकल्स भी स्पोर पे इजीली एक्ट नहीं करते, बहुत सारे केमिकल हैं जो स्पोर्ट्स पे एक्ट करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो केमिकल है वो स्पोर्ट्स पे एक्ट नहीं करते। यानी कि चार बेसिक ऐसी चीजें हैं जिससे स्पोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ये चीजें स्पोर्ट्स पे एक्ट नहीं करती। ओके, लेकिन हमने स्टरिलाइजेशन चीजों को डिसइंफेक्ट भी तो करना है ना, यानी कि सारे जर्मसिम को मारना है, डिफरेंट मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सर्जरी करते हुए उसको डिस्ट्रॉय करना है ना, वरना वही जब सर्जरी करेंगे तो वही स्पोर्स, वही बैक्टीरिया जो है वो पेशेंट के अंदर चले जाएंगे। तो इसी जैसे स्टरिलाइजेशन अगर हम बॉइलिंग से करें तो बॉइलिंग तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता टेम्परेचर बॉइलिंग का। तो वाटर, स्पेसिफिकली वाटर की बात कर रहा हूं मैं, तो इस वजह से बॉइलिंग से तो नहीं मरेंगे स्पोर्ट। एक ऑटोक्लेव होता है जिसमें हम स्टीम, पहले क्या होता है एक बॉक्स होता है, उसके अंदर क्या है स्टीम बनती है। अब स्टीम से जो है उसको हीट किया जाता है और उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। अब 121 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा और 15 मिनट के लिए हमें करना पड़ेगा, 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए ऑटोक्लेव करते हैं, जिससे तमाम बैक्टीरिया और स्पोर्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि स्टरिलाइजेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। इस तरह इसके बाद जो है हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को सर्जरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स, हमने बैक्टीरिया को मारना है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक्स। अब क्या सवाल यहां ये पैदा होता है, क्या एंटीबायोटिक्स स्पोर्ट्स पर भी एक्ट करती है? आंसर होगा नो। क्यों एंटीबायोटिक्स जो है स्पोर्ट्स पर एक्ट क्यों नहीं करती, इसकी दो वजूहात हो सकती है। पहली वजूहात, एंटीबायोटिक स्पोर के अंदर जा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इसको काफी ज्यादा लेयर्स को क्रॉस करना पड़ेगा और वो नहीं कर सकती एंटीबायोटिक्स। पहला सवाल ये कि पहली रीजन क्या हो सकती है, क्यों नहीं एक्ट करती एंटीबायोटिक्स, स्पोर्ट्स के अंदर नहीं जा सकती। दूसरी बात ये है कि एंटीबायोटिक्स एक्शन उस वक्त होता है जबकि सिंथेसिस हो रही होती है बैक्टीरिया की, सेल वॉल की या डिफरेंट राइबोसोम्स की। तो ये तो स्पोर्ट्स तो है ही डोरमेंट, इसमें तो कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही नहीं हो रही, तो एंटीबायोटिक कोई एक्ट नहीं कर सकती। एंटीबायोटिक्स एक्ट उस वक्त करती है जब सेल वॉल बन रही हो, जैसे कि पेंसिलिन उस वक्त एक्ट करेगी जब बैक्टीरिया की सेल वॉल बन रही हो। इसी तरह डिफरेंट एंटीबायोटिक्स है जब राइबोसोम्स पर एक्ट कर रहे होते, राइबोसोम एक्टिव फॉर्म में होता है। अब यहां पर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही, तो इस वजह से एंटीबायोटिक्स कोई एक्ट नहीं करेगी। अच्छा, अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है, एक क्लिनिकल स्पेसिमन आया, अब स्पेसिमन में अब आपको क्या चीज देखने को मिलेगी, बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे या स्पॉट? सवाल यह है कि एक स्पेसिमन आया है, क्या आपको बैक्टीरिया और स्पोर दोनों देखने को मिलेंगे या एक चीज देखने को मिलेगी? तो स्पेसिमन में आपको कोई स्पोर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिमन में कोई न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है ही नहीं। बैक्टीरिया तो कन्वर्ट ही स्पोर में उस वक्त होता है जब किसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो। अब स्पेसिमन से वो न्यूट्रिएंट्स हासिल करता रहेगा तो बैक्टीरिया को जरूरत ही नहीं है स्पोर में कन्वर्ट होने की। दैट्स व्हाई क्लिनिकल स्पेसिमन में स्पोर नहीं नजर आते, मेजर इंफेक्शन जहां हो रहा है वहां बैक्टीरिया नजर आ रहे हैं। इसी वजह से बॉडी में हमारी बैक्टीरिया मौजूद होंगे, स्पोर्स के बहुत रेयर चांसेस होते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होती हमारी बॉडी में।
तो ये था आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया दो जेनरा को, बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रिडियम, जो कि स्पोर्स फॉर्मिंग जेनरा है और जो कि ग्राम पॉजिटिव रॉड्स बैक्टीरिया है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।